हेलो दोस्तों, स्टडी ऑफ फार्मेसी में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा, बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर, हाइजर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस एक यूनिट पढ़ना है। तो बीएस अग्रवाल का 11.1 का प्रॉब्लम 11.1 का 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। 1 और 2 पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हम लोग। चलिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, सेटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। dy by dx इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों में दो टर्म हैं u और v, दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy by dx d c1 c1 cos 2x by dx plus d c2 sin 2x by dx। d1 by dx dc1 है। c1 को हम क्या करेंगे, c1 कांस्टेंट टर्म है हमारा, बाहर हो जाएगा। c1 d cos 2x बटा dx प्लस c2 बाहर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो sin 2x। अब देखिए dy by dx c1 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो sin 2x है तो 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 2 c2 sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x, cos 2x हो गया, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब देखेंगे dy by dx अब क्या हो जाएगा, 2 c1 माइनस 2 c1 sin 2x प्लस 2 c2 cos 2x हो गया। अब इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट अभी भी मौजूद है, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हटाने के लिए इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार कर चुके हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। dx स्क्वायर बराबर यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस 2 c1 sin 2x प्लस 2 c2 cos 2x, सबको डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 c1 को बाहर कर लेंगे बारी बारी से, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस 2 c1 sin 2x बटा dx प्लस 2 c2 cos 2x by dx। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 c1 कांस्टेंट टर्म है बाहर कर लेंगे, d sin 2x by dx
प्लस टू सी टू कॉन्स्टेंट टर्म हम बाहर कर देंगे कॉस टू एक्स बट्टा डी एक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, साइन टू कॉस साइन टू एक्स का डिफरेंसेस हम लोग को पता है क्या होता है, कॉस टू एक्स इंटू टू प्लस टू सी टू, और कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन टू एक्स इंटू टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू। अब देखिए टू स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस टू सी, तो टू डू माइनस फोर सी वन कॉस टू एक्स प्लस इसको गुना कर देंगे फिर, तो टू टू फोर सी टू माइनस साइन टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस टर्म दोनों में मिल रहा है, माइनस टर्म दोनों में मिल रहा है, तो माइनस फोर कॉमन ले लेंगे, तो सी वन कॉस टू एक्स और प्लस सी टू साइन टू एक्स, इतना बराबर क्या फंक्शन में दिया हुआ, तो सी वन टू एक्स प्लस सी टू टू एक्स साइन टू एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है। जब फंक्शन बराबर इतना दिया हुआ है तो यहाँ लिख सकते हैं डी टू स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं डी टू स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर इनको माइनस फोर और माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो डी टू स्क्वायर वाई तो डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर वाई हो गया। इसको लिख सकते हैं बराबर से इस पार ले आएंगे तो प्लस फोर वाई इक्वल टू जीरो, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम फोर देखेंगे, जब तक देखते रहिए स्टडी ऑफ फार्मेसी चैनल। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि और अच्छी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी के लिए थैंक यू।